प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप? आज की रात की प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको स्वागत करते हैं डिवाइन अप पावर मिनिस्ट्री की ओर से। प्रभु आज आपको आशीष करे उन तमाम चीजों में जो आपके जीवन में आप चाहते हैं। आज की रात की प्रार्थना आपको परमेश्वर के समीप और उन तमाम अंधकार के कार्यों को नाश करके, तमाम अंधकार की शक्तियों को दूर करके परमेश्वर आपके जीवन में एक उजाले को, एक प्रकाश को लेकर आए। आज की रात की प्रार्थना आपके जीवन में, आपके घर में तमाम अंधकार की शक्तियों को दूर करके हम प्रार्थना करेंगे। इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की रात की प्रार्थना आपके जीवन में एक नया उजाले को लेकर आए। आज रात की प्रार्थना आपके जीवन में एक नया सामर्थ को लेकर आए। तो मेरे प्रियो, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। आज रात की प्रार्थना आपको सारे बंधनों से छुड़ाए। आज रात की प्रार्थना में आपके जीवन में एक नई आशीष को आप देखें। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। तो आइए हम सब इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और वचन को जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको आशीष दे। उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करे। तो आइए आज के वचन की ओर हम परमेश्वर के उस वचन से आशीषित होते हैं। तो यशायाह नबी की किताब हम देखेंगे 60 अध्याय। यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय से देखेंगे। परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। यरूशलेम के लिए जब प्रार्थना इसमें लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज इस रात के समय में प्रत्येक लोगों के जीवन में प्रभु आप अपने उजाले को परमेश्वर चमकाइए प्रभु, इस अंधकार को मिटाकर, क्योंकि आपकी वचन में लिखा है परमेश्वर मेरे पिता, उस परमेश्वर पिता उस अंधकार को आपने दूर किया और एक बड़ी ज्योति चमकी परमेश्वर, और जो अंधकार के मृत्यु के देश में पड़े थे प्रभु, परमेश्वर पिता आपने उन्हें प्रभु छुड़ा लिया क्योंकि आपकी ज्योति उन पे चमकी परमेश्वर। आज सारे अंधकार की शक्तियों को हम नाश करते हैं प्रभु लोगों के जीवन से। आज तमाम अंधकार की शक्तियां यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज तेरे बेटे और बेटियां तमाम अंधकार के कार्यों से छुटकारा पाए। ओ परमेश्वर, उन तमाम परमेश्वर मेरे पिता बीमारी, तमाम परमेश्वर प्रकार के शारीरिक परमेश्वर दिक्कतों से वो छुटकारा पाए। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, लोगों के जीवन से सारे बंधन टूटने पाए। हालेलुया। ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा सारे बंधन टूटने पाए, सारे बंधन टूटने पाए। लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो, लोगों के जीवन में सामर्थ कार्य हो, लोगों के जीवन में परमेश्वर एक बड़ी उजाले को प्रभु आप प्रकट कीजिए। जो लोग अंधकार में पड़े हैं, जो लोग मृत्यु के देश में पड़े हैं, जो लोग मृत्यु की छाया में पड़े हैं प्रभु, ओ प्रभु उनके जीवन पे एक बड़ी ज्योति को चमकाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं सारे अंधकार के कार्य, सारे लोगों के जीवन से प्रभु परमेश्वर पिता नकारात्मक चीजें प्रभु दूर कर दीजिए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज रात परमेश्वर लोगों के जीवन में एक बड़ी ज्योति चमकने पाए, उनके परमेश्वर पिता परिवार में बाल बच्चों के ऊपर प्रभु आशीष कीजिए, उनके परमेश्वर कार्यों में, उनकी नौकरी में प्रभु आशीष कीजिए। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सेनाओं के यहोवा और परमेश्वर शांति के राजकुमार आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यशायाह में 9 में, ओ परमेश्वर तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। पहले तो उसने जुबलून और नप्तली के देश का अपमान किया, परंतु
अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जाति गलील की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। ओ हालेलुया, क्योंकि तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु तेरे लोगों के जीवन में संकट के दिन परमेश्वर खत्म होने पाए, संकट के दिन परमेश्वर उनके जीवन से जाने पाए। आज रात परमेश्वर उनके मुखों पे प्रकाश चमकाइए, आज रात उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कार्य कीजिए प्रभु। ओ प्रभु सारे परिवार के प्रत्येक लोगों के जीवन में आशीष हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक पापों को उनके जीवन से दूर कीजिए, हर एक पापों के उनके जीवन से दूर कीजिए, क्योंकि प्रभु आपके नाम से उनके जीवन में एक बड़ी ज्योति चमकी, आपके नाम से प्रभु बड़ी ज्योति चमकी। प्रभु आपके वचन में लिखा है परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए। आपने कहा हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को सुनकर तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैं तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। मैंने तेरे अपराध को काली घटा के समान और तेरे पाप को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ओ हालेलुया। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरी ओ ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं आज रात प्रभु हर एक लोग शोक में पड़े हुए लोगों के जीवन में आनंद हो, हर एक लोग परमेश्वर उनके जीवन में आनंद हो प्रभु, उनका शोक आज रात आनंद में बदल जाए, रात को रोना उनके लिए सुबह को भोर को आनंद पहुंचे प्रभु, उनके आंसुओं को प्रभु आप पोष डालिए प्रभु, उनके चिंताओं को आप दूर कर दीजिए प्रभु, जो दिन रात उनको सताती है, दिन रात उनको परमेश्वर पिता ओ प्रभु परमेश्वर पिता रुलाती है प्रभु। प्रार्थना करते हैं सेनाओं के यहोवा हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता के जीवन में आशीष कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर घर में प्रभु हर एक प्रकार से प्रभु आप परमेश्वर आशीष को दीजिए, आशीष को दीजिए। जो रास्ते बंद हो गए वो खुल जाए यीशु नासरी के नाम से खुल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जितने लोग ये प्रार्थना सुने उनके जीवन से अंधकार के सारे शक्तियां नाश हो जाएं, सारे शक्तियां नाश हो जाएं। प्रार्थना सुनते ही उनके जीवन में उनके कानों में पड़ते ही प्रभु अद्भुत कार्य हो, अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। बड़े बड़े सामर्थ कार्य कीजिए, बड़े बड़े अनुग्रह को दीजिए प्रभु, और तमाम बंधनों को आज परमेश्वर तोड़ दीजिए, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए तेरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना को सुनकर आशीषित होने पाए और बहुत सारे लोगों के जीवन में बंधन खुलने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि ये सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है प्रभु, आपकी वाणी लोगों के जीवन में पूरा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे दया करने वाले पिता, आज आशीष को दे दीजिए, आज लोगों के जीवन में आशीष दीजिए, आज लोगों के जीवन में आशीष दीजिए। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हर एक आंसू प्रभु तेरे सामने कीमती है प्रभु, हर एक आंसुओं को तू प्रभु परमेश्वर पिता मेरे खुदावन की प्रभु आप अनुग्रह को करते हैं, हर एक आंसुओं का उत्तर आप देते हैं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु राजा महान कार्य कीजिए, अपने दूतों को आज रात लोगों के जीवन में भेज दीजिए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए, आपका नाम ऊंचा होने पाए, सारी बातों में आपको आदर करते हैं। प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु आप, प्रार्थना को आप आशीषित कीजिए यीशु नासरी के नाम से। मैं
अपने प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु आज इस प्रार्थना को, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य हों, और परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु लोग आशीषित हों और परमेश्वर गवाही देने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज रात प्रभु हर एक को छू लेना परमेश्वर, उनके हृदय को, उनके जीवन को, और परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु जहां जहां पहुंचता है, जिन जिन लोगों के पास, प्रभु उन सबके जीवन में आशीष हो, सुनने वालों के कानों में परमेश्वर तेरे सामर्थ को देखने पाए। प्रभु मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात लोगों से बोली और बातचीत कीजिए, तमाम परमेश्वर पिता सेवक के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तमाम सेवकाई करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़ी आशीष दीजिए उनके जीवन में और प्रभु उनके कार्यों में। प्रभु और परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर पिता पिता इस डिवाइन अपावर मिनिस्ट्री सेवकाई को भी परमेश्वर सपोर्ट करते हैं, उनके आर्थिक चीजों में उन्नति दीजिए, उनके आर्थिक चीजों में बढ़ोतरी दीजिए प्रभु, उनके कमाई में 100 गुना बरकत आने पाए, आशीष कीजिए। सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह, आपके दया अनुग्रह से प्रार्थना को परमेश्वर पिता मांग लेता हूँ यीशु के नाम में, आमेन और आमेन आमेन। प्रभु सबको बहुताई से आशीष करे। प्रिय परमेश्वर के लोगों ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने पाए ताकि आप भी उनके साथ आशीष पाए। तो अपने तक मत रखिए, और अगर आशीष आपके लिए और ज्यादा चाहिए तो इस प्रार्थना को शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में जब आशीष हो तो उसके द्वारा प्रभु आपको भी आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। कमेंट करके हमें आपके जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया जरूर बताइए, और लाइक करना ना भूलिए, आप जो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं इस चैनल पे तो लाल बटन दबाकर सुनते वक्त आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिए मत। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट सबको, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।